широко! Kagwal Babar Mandal! Kagwal Ekta! Kagwal Ekta! Kagwal Ekta! You are a Tusama! You are a Tusama! Please, you could be a library. I'll get you up for the gig and my hand. Please, you could just get on it. Administration of the Kaliko, George of the Kaliko. असली गलत काम कर रहे असें रोड ही मानने साड़ियाँ युवा राजसभा के मैंबर छिटे जाए और रोड जिन्नी तक नहीं बनता तोड़ नहीं देना रोड है देखो अब देखो रोड की तोड़ देने लायक क्या है लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का धक्का देखो अज तुम अपने अगर पिछले नहर मारो किन्नी पुलिस लाई है कई लोग आम नागरिक है असलों एक चाहिए डिमांड साड़ी रोड नहीं टोल नहीं आज पूरा देखो अग्गे पिछे नजर मारो छड़ी पुलिस है केह गल है कि करो जेल च जेल भरो अंदोलन करो फिर शुरू अगर अस पीसफुल प्रोटेस्ट करा रहे एस एच ओ सर की गाइडेंस लिए करा रहे कि सर आज पीसफुल प्रोटेस्ट करना ये पुलिस केह गल लाई देना तुस लोग मजबूर करा रहे हो सरकार मजबूर करा दी है कि जम्मू च दंगा होया जम्मू जला है जम्मू रुकोया थोड़ी राजनीति नहीं चलनी हूँ जम्मू का डोगरा जागीर है हून जम्मू डोगरा अस अपना कलैन चाड़ने अगर तुसें प्यार कन्नै साढ़े युवा राजू सभा के मैंबर ने छड़िया सानू एजुकेशन करना आदि न अज लोग कट्टन कल लोग इस अंदोलन च बदलना भारत माता की भारत माता की सामने बोल रहा हूँ सरकार के ऊपर लोग हैं वरना सरकार पे कोई दबाव नहीं होता आप रिक्वेस्ट कर रहे हो युगल किशोर जी नेशनल टेबल पे बैठ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर वो टोल क्यों काट रहे हो आप अरे आप ऑर्डर में हो आपको ऑर्डर देना है बात खत्म डीसी सो ने क्या करा एक दिन रेफरेंडम निकाला साइन करके कि टोल नहीं कटेगा जब तक रोड नहीं बनता आपको क्या दिक्कत है ऐसी करने में रविंदर रैना जी कह रहे हैं मैं दिल्ली जा रहा हूँ बात कर रहा हूँ चेयरमैन से बात करी है सर आप गवर्नमेंट में आपका काम होता है ऑर्डर पास करना आपका काम परमिशन लेना नहीं होता है आपका काम होता है ऑर्डर पास करना बात खत्म आप किस आप भी समझदार हो पक्का कोई ना कोई सरकार के ऊपर है जो सरकार चला रहा है भारत माता की जय उनकी गिरफ्तारी हुई उन्होंने टोल बंद किया था रात के समय जब उनकी गिरफ्तारी उसके बाद चालू किया गया बेशर्म है मैं कहता हूँ बेशर्म है इससे बेशर्मी की हद क्या हो सकती है अगर सभी लोग कह रहे हैं डीसी तक भी कह रहे हैं कि टोल नहीं चाहिए तो डीसी के ऊपर कौन प्रेशर डाल रहा है किसकी सरकार है सब हम जानते हैं जब भारतीय जनता पार्टी के लोग नंगे हो चुके हैं गिर गए हैं अपनी नीयत पे तो मैं इनको कहता हूँ कि आप भी जम्मू के डोगरा हो जब वोट लेने हैं तो हम आपके भाई हैं युवा राजू सभा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं युवा राजू सभा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं युवा राजू सभा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं युवा राजू सभा आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारे वीरों को नहीं जोड़ा जाता युवा राजपूत सभा को जब तक मेंबरों को नहीं जोड़ोगे आंदोलन जारी रहेगा और सरकार तैयार है जब मजबूर कर रहे हो आप हमें सड़कों पे आए और कुछ अगर प्रदर्शन करे अगर ये जल्दी रिहा नहीं हुए तो सरकार जिम्मेवार भी जो होगा टोल उठाने का ये बड़ा और ये जो मुद्दा उन्होंने देश की एकता और अखंडता को दिखाया और जो देश के लिए लड़ेंगे हम उनके लिए मरेंगे जो देश के लिए लड़ेंगे हम उनके लिए मरेंगे और ये मैं चेतावनी देना चाहता हूँ अपनी जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन को एलजी साहब को कि आपने जम्मू का डोगरा नहीं देखा जो भी इसमें कोई भी अगर लूटपाट या कोई भी ऐसी कार्रवाई होगी उसका जिम्मेदार जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन होगी ये मैं गढ़वाल वासियों की तरफ से और अपने पूरे गढ़वाल के ब्लॉक की तरफ से कह रहा हूँ ये जितने भी जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग हैं जो सारे के सारे यहाँ पे गंदा काम कर रहे हैं इनको मैं वार्निंग करना चाहता हूँ अभी सिर्फ वार्निंग है अभी हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमें वो मत करो कि हम उसके ऊपर उतर जाएं कि आपको मुश्किल हो जाएगी हम भी नहीं चाहते गढ़वाल का रोड बंद करना हमारे जो फौज के नौजवान है उनको परेशान करना लेकिन नहीं ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं
और मैं फिर लास्ट बार ये कहता हूँ जम्मू कश्मीर स्टेशन के, तो जो जुमा रात रूट के बंदे हमारे बंद किए गए हैं उनको रिहा करो, और जो टोल प्लाजा रोड का है उसको बंद करो, वो नाजायज लगा रखा है। जय हिंद जय भारत। आगे प्रदर्शन मेरी रणनीति और हमारे गोवाल वासियों की रणनीति यही है कि पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहेंगे, लेकिन हमें मजबूर मत करो, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वो भी ध्यान रखे, हम भी ध्यान रखेंगे। प्लीज जय हिंद। यहाँ पे हमारे नितिन गडकरी ने बताया है कि जो हमारा संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। पर जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूटी है जहाँ पे यूटी के अंदर टोल प्लाजा नहीं होता, और जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर 3-3 टोल प्लाजा लगाए हैं। इससे हमें पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो कितनी लाचार है, एल जी सरकार कितनी लाचार है। यहाँ पे हमने इस सरकार को इतनी बहुमत से जिताया, 25-25 हमने यहाँ पे नुमाइंदे चूज किए, आज हमारे लिए कोई नुमाइंदा खड़ा नहीं होता है। जब ये एमपी की बात नहीं सुने, जुगल किशोर जी ने वहाँ पे बात की, वो जुगल किशोर की बात नहीं सुनी जा रही है। हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जम्मू से कठुआ तक हमें एक जगह बता दो, यहाँ पे रोड पूरा बना हुआ है। यहाँ पे जम्मू से कठुआ जाने के लिए हमें 1-1.5 घंटा लगता था, आज हमें 5-7 घंटे लग रहे हैं। हम आपके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि वो हमारे साथियों को इन्होंने डिटेन करके कठुआ में पकड़ा हुआ है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में ये प्रदर्शन और जोरदार होगा। और हम यही बोलना चाहते हैं कि जब तक रोड नहीं है तब तक हम टोल भी नहीं देना चाहते हैं। हम कभी ये इस बात से मुकर नहीं है कि हम टोल नहीं देंगे, हम पहले भी टोल देते थे, हम दोबारा टोल देंगे, पर जब तक रोड नहीं है तब तक हम टोल भी नहीं देंगे। धन्यवाद। राजपूत सभा के प्रोटेस्ट होने का, जम्मू कश्मीर में पूरे में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप समर्थन दे रहे हैं युवराज? जम्मू रीजन में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं राजपूत सभा की ओर से पहले शुरू हुआ, और आज की डेट में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, गढ़वाल की बाहैसियत में मेरी भी एक ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जिसका मैं जिला अध्यक्ष, मैं उस अपने संगठन की ओर, मेरे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने कहा लोकल इशू है, इस पर हम पूरी तरह आपका समर्थन करते हैं, और राजपूत सभा का मैं पूरी तरह अपने समर्थन अपने संगठन की ओर से समर्थन करता हूँ। सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते अपने गढ़वाल क्षेत्र से जो जो इनकी जायज़ मांगे हैं, रही बात कि ये इशू क्या है, ये इशू है टोल प्लाजा का, किस बात का टोल प्लाजा हमें देना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत तो देखिए, पिछले 2 महीने से जो अमरनाथ यात्रा चल रही है कितनी परेशान हो रही है। हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग का एक पुल पिछले 1.5 महीने से बंद है, सरकार उस पर कोई नोटिस नहीं ले रही, ना कोई उसका विकल्प मार्ग ढूंढ रही है, यात्रियों को दर बदर होना पड़ रहा है वाटर के रास्ते के माध्यम से। जो 25 लोग हमने भेजे हैं वो कहाँ हैं, वो दिखाई नहीं देते, वो दिखने चाहिए थे, अभी लोगों के साथ होने चाहिए थे। आज जहाँ कितने लोग खड़े हैं उनमें से कोई आदमी यहाँ नहीं है। ये जनता की परेशानी है, ये लोगों की समस्या है, ये कोई एक किसी जाति किसी वर्ग के वो इशू नहीं है, ये सारे जाति वर्गों से ऊपर उठ कर एक इशू है, और उसको सलूशन के लिए मैं सरकार से, एलजी से, सरकार में बैठे जो हमारे एमपी हैं या अदर लोग हैं, एलजी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि शीघ्र अति शीघ्र टोल प्लाजा जहां से हटाया जाए, और टोटल एमपी साहब ने भी एक मीटिंग करी थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से, उन्होंने कहा था कि हमने 10 बार कह चुके हैं मगर बात नहीं मानी जा रही, क्या लगता है एमपी साहब की और एलजी प्रशासन की नहीं मानी जा रही है? अगर एमपी की नहीं मानी जा रही तो इसका अर्थ ये साफ निकलता है कि एलजी प्रशासन अपनी मर्जी से काम कर रहा है, और किसकी डायरेक्शन से काम कर रहा है हमें नहीं पता। वह ये आम लोगों के लिए अच्छा नहीं हो रहा है, ये आम लोगों के हित में नहीं हो रहा है, ये आम लोगों के खिलाफ जा रही है बात। एक मोटरसाइकिल या एक गाड़ी वाला जिसको जो सुबह से कठुआ से लखनपुर से निकला है 4 बजे टोल प्लाजा पर पहुंचता है और वहां भी उससे पैसे लिए जाते हैं, तो एक तो वो सुबह का परेशान है, उससे ऊपर उससे पैसे लिए जा रहे हैं। इसलिए हमारा गढ़वाल जो है ये राजपूत सभा की ओर से मतलब जो लोग स्ट्राइक पे हैं उनके साथ हैं, और जो लोग राजपूत सभा के इन्होंने अरेस्ट किए हैं, मेरी गुजारिश है कि शीघ्र अति शीघ्र उनको रिहा किया जाए, तत्काल रिहा किया जाए, ताकि यहाँ के वातावरण को थोड़ी शांति मिले, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं,
सारा सिस्टम फ्लॉप हो चुका है। मेरी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश है कि उन बच्चों को रिहा किया जाए और यहाँ माहौल को शांतिपूर्ण बनाया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।